तो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम दीपक कुमार है। आपके लिए नई बेहतरीन वीडियो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने दिखाने वाला हूँ कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की आज से 2 साल बाद मौत हो जाएगी। क्या यह अपडेट क्या आ रहा है सोशल मीडिया पर, क्या वायरल हो रहा है, क्या वैक्सीन सुरक्षित है, क्या आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने और दिखाने वाला। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार, आप देख रहे हैं भाई इंटरनेशनल मैचिंग अपडेट चैनल पर। तो पहली बार चैनल सब्सक्राइब एवं बगल बेल आइकन बिल्कुल, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है कि टीका लगवाने के 2 साल बाद हो जाएगी मौत, सरकार ने किया खंडन। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि टीका लगवाने के बाद 2 साल बाद लोगों की मौत हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच तनातनी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के बीच लगातार तनातनी जारी है। देख सकते हैं एक इस विवाद को तब और हवा मिली जब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सरकार की ओर से पोस्ट किए गए एक खंडन को हटा दिया। देख सकते हैं दरअसल इस पोस्ट में उस दावे का खंडन किया गया था जिसमें कोरोना का टीका लगवाने से मौत होने का जिक्र किया गया था। हालांकि सरकार के विरोध के बाद दोनों ही प्लेटफॉर्म इस पोस्ट को बहाल कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे सरकार के PIB फैक्ट चेक हैंडल से 25 मई को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया था, उसमें उस दावे का खंडन किया गया था कि जिसमें फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता ल्यूक मोंटेनियर ने कहा था कि कोरोना का टीका लगवाने वालों की 2 साल में मौत हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के कथित दावे का स्क्रीनशॉट लगाया गया था कि साथ ही लिखा था फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता ल्यूक मोंटेनियर के हवाले से एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसमें दावा किया गया जा रहा कि कोरोना का टीका लगवाने के 2 साल बाद संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाएगी। देख सकते हैं तस्वीर में किया गया दावा झूठा है, कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो न्यूज़ जारी हो रही थी सोशल मीडिया वायरल हो रहा था, ये दरअसल झूठा है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, आप इसे बेझिझक लगा सकते हैं। इस संदेश को नज़रअंदाज करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वायरल हो रहा है इसको नज़रअंदाज करें। फेसबुक इंस्टाग्राम ने हटाया सरकार का दावा। देख सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ने सरकार का दावा हटा दिया। देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी के मुताबिक PIB के इस फैक्ट चेक को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने एक दिन बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिया। देख सकते हैं सूत्रों का दावा है कि फेसबुक ने इस मामले में PIB की पेज को फेक न्यूज फैलाने को चेकर चेतावनी भी दिया। देखते हैं यहाँ पे फेसबुक ने इस मामले में PIB के पेज को फेक न्यूज फैलाने को चेकर चेतावनी भी दी। आप देखते हैं यहाँ पे जो फेक न्यूज फैला रहा है उसको चेकर चेतावनी भी दी। आप देखते हैं इस मामले में PIB के अधिकारियों ने IT मिनिस्ट्री से संपर्क किया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अधिकारियों को ईमेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक के साथ साथ पारदर्शिता के अभाव के बारे में बताया गया। इसके बाद यह पोस्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बहाल कर देगी। फेसबुक के प्रवक्ता ने इस मामले की पुष्टि है। उन्होंने बताया कि गलती से इस पोस्ट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया था लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो फेक न्यूज जा रही थी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर कि लोगों का वैक्सीन लगवाने के बाद 2 साल में मौत हो जाएगी, ये दरअसल ये फेक न्यूज है, इस पर भरोसा ना करें। दोस्तों, आप देखते हैं कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, आप इसे लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। दोस्तों, यही अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो यही अब मैं आपको जानकारी देने वाला था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा नॉलेज में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल बेल करना बिल्कुल, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते ही किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।